हमीद राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल में बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वापस। नहीं यार क्या मतलब, चार मैच चार कैच छुटे हैं उसके, चार कैच छुटे सर, सेंचुरी तो हो गई जैसी टीम थी सेंचुरी, फिर तो रवि इस तरह सेंचुरी हो गई तो यार पॉइंट कहने का ये है कि सेंचुरी जब पाकिस्तानी करते हैं तो वैसे छलांगे मारा करें ना, ये चार कैच छूटने को तो रवि फिर मैं कुदरत का निजाम कहूंगी, बिकॉज दिस कुदरत का निजाम इज वेरी फेमस दीज डेज। जब वक्त आया उसने हारिस रऊफ जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको उसने आखिरी दो बॉलर पे छक्के लगा दिए, जो कि मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों, वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से गया। तो विराट कोहली ने नंबर तीन पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को, ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है उसको किंग कोहली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है किंग कोहली, उसने दिखाया कि प्रेशर में कैसे खेला जाता है। विराट कोहली का आज गावस्कर कह रहा है, व्हेन यू आर चेजिंग दिस अमाउंट ऑफ द रन यू नीड चेज मास्टर कोहली, ये सुनील गावस्कर कह रहा है। दुनिया के क्रिकेट 2008 से उठाए जब तक ये कमेंट्री करता रहा आईपीएल में, इसकी कमेंट्री सुने। लेकिन उन्होंने पूरा अपनी कैंपेन को विराट की सेंचुरी के गिर्द घुमा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमारे यहाँ लोग तनकीद करते हैं कि 121 का स्ट्राइक रेट है बाबर का, तो 129 का है, और विराट कोहली का आप देखो तो चार कैच ड्रॉप करके विराट कोहली ने वो सेंचुरी बनाई थी। भाई आप ठीक कह रहे, आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे जी, तो आपके 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 तो बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं हम खुश नहीं है सर, तो फिर आवाम कौन सी है, तो कौन सी आवाम, मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से रोते हुए जाते हुए देखा है। नमस्कार दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले ही टीम इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर इंडिया को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, और ये जीत खासकर दुनिया के नंबर वन विराट कोहली ने दिलवाई है। किंग कोहली को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ पाकिस्तानियों को मुंह से नहीं अपने बैट से जवाब देना पड़ता है। आप सबको एशिया कप याद होगा जिसमें इंडिया फाइनल मैच में नहीं जा सका था, मगर एशिया कप में भी इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली ने 100 रन मारे थे, तो पाकिस्तान के चेयरमैन रमीज राजा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अफगानिस्तान एक छोटी टीम है जिसने जानबूझकर विराट कोहली के चार कैच छोड़ दिए। इस बयान से अफगानिस्तान टीम की भी इंसल्ट हुई थी और कोहली जैसे प्लेयर को बाबर आजम से बड़ा बता दिया था। इस रमीज राजा ने इंडियन रिपोर्टर तक को नहीं छोड़ा था, उसकी गलती बस इतनी ही थी कि उसने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के हाथों एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की हार पर सवाल पूछ लिया था। ये वही रमीज राजा है जिसने आईपीएल में कमेंट्री कर करके बहुत पैसा कमाया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन बन गए तो पिछले सब बातें भूल गए, इंडिया से पैसे कमाने के बाद उसी को गाली दे रहे हैं। एक साल में कोई इसने एक कंस्ट्रक्टिव काम किया, विराट कोहली की सांप को ये बंदा बैठ के चैनल पे कह रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ आई तो तूने कौन सा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ शो किए थे भाईजान। समझ गए आप क्या है वो नया एंगल, ये इतने डेस्परेट हो गए हैं, इतने डेस्परेट हो गए कि जब ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं थे तब ये सब बातें करते थे, और ये जानते हैं क्रिकेट को, हम सबसे बहुत ऊपर जाके जानते हैं, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कवरेज की है इन्होंने, इनको मालूम है कि मतलब एक कहते हैं ना जमीन और आसमान का फर्क, तो जमीन और आसमान वाला फर्क है विराट कोहली और बाबर आजम के कैलिबर में, विराट कोहली एज बैट्समैन या रेंज ऑफ स्ट्रोक्स या विराट में जो जो सलाहियतें। सेंचुरी में तो तीन उसको चांसेस मिले, ठीक है, आज उसी कोहली ने आपको काट दिया मैच के अंदर। बात यह है कि आप थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दूसरा ऐसा मुझे लगता है कि वही मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा कि ना सिर्फ टीम में इवन क्रिकेट बोर्ड में एक स्टबर्नेस का एलिमेंट आ गया है। ये अगर कोई आप कुछ कहें इनको बैठने के लिए ये समझते हैं कि पता नहीं हम क्या मतलब इनके पीछे पड़ेंगे क्या मसला है, भाई आप अगर अच्छी बात हो रही है आप सुने उसको। अब देखें रमीज राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल में बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वापस, जब इन्होंने ये कहा था जब इनसे बात हो रही थी इनसे कोई सवाल हुआ कोहली और बाबर का, तो इन्होंने कहा जब वो सेंचुरी पे सवाल हुआ तो इन्होंने कहा यार वो कोहली की सेंचुरी में भी तो तीन उसको चांसेस मिले, ठीक है, आज उसी कोहली ने आपको काट दिया मैच के अंदर। बात ये है कि आप थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दूसरा ये है कि अगर कोई सामने से आपको कोई चीज बोल रहा है तो कंसिडर करें उस चीज को कि हाँ हो सकता है ये बंदा सही बोल रहा हो। मैं समझता हूँ कि बाबर रिजवान का जो गोल्डन पीरियड था ओपनिंग पार्टनरशिप का, उनकी जो पैर का, आई थिंक दैट टाइम हैज गॉन नाउ बिकॉज टीम्स हैव वर्कड आउट, टीमों ने अब वर्कआउट कर लिया, दोनों टीमों को पता है कि कमजोरी है। देखिए आज रिजवान को जिस तरह आउट किया हर्षदीप सिंह ने, सेटअप किया उसने उसको पकड़ा था, मतलब उसने सीधी सीधी गेंद कराता रहा, बार बार एकदम से उसने शॉर्ट पिच में मारी, उसको पता था ये रिफ्लेक्स शॉट खेलेगा और उसने वही किया, उसने रिफ्लेक्स शॉट खेला, फील्डर उन्होंने खड़ा किया हुआ था पीछे कैच लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसका शायद गोल्डन पीरियड अब निकल चुका है,
अब उसका तरीका यह है कि आप ओपोनेंट को सरप्राइज करने के लिए दूसरा मतलब पैटर्न इस्तेमाल करने की कोशिश करें, हो सकता है उससे फर्क पड़ जाए। आज शान अच्छा खेला है, लेकिन मुझे शान से एक डिसअपॉइंटमेंट ये जरूर थी कि शान ने उस तरह से अपनी इनिंग्स को नहीं बिल्ड किया जैसे उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ मुझे लग रहा था। इफ्तिकार प्लेड आउटस्टैंडिंग की वेल, इफ्तिकार ने तो बहुत अच्छा खेला है, उसने जो एक ओवर में उसको अक्षर पटेल को जो उसने रन मारे, तीन छक्के मारे, वहां से पाकिस्तान मैच में वापस आया, वरना उधर तक तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था। 14 ओवर में तो पाकिस्तान 100 रन नहीं हो बिल्कुल। विराट कोहली ने नंबर 3 पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को, ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है उसको किंग कोहली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है किंग कोहली? उसने दिखाया कि प्रेशर में कैसे खेला जाता है। उसने भी शुरू में आज स्लो खेला है, उसके भी एक वक्त में 20 बॉलों में 11 रन नहीं थे उसके, लेकिन एंड में जब वक्त आया उसने हारो स्नो जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको उसने आखिरी दो बॉलों पे छक्के लगा दिए, जो कि मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों, वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से गया। तो और ऐसा लग रहा था कि 160 जो है वो अच्छा खासा स्कोर बन गया, लेकिन यहां पर डिफरेंस डाला है विराट कोहली ने, मैं ये कहूंगा, और स्टार्ट की जो बॉलिंग की है खासतौर पर जो भुवनेश्वर कुमार ने और इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने, इन दोनों ने जो स्टार्ट में बॉलिंग की है वो भी बहुत अमेजिंग थी, और सवालात तो उठेंगे ऑब्वियसली। अगेन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बीइंग एन ओपनर नाकाम हुए हैं, अगर ये दोनों ओपनर्स कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान 180 तक लेकर जा सकता था। स्टिल आई एम थिंकिंग कि पाकिस्तान 170 तक अपने रन्स को लेकर के जा सकता था, और उसमें आई थिंक सो कि जिस तरह से आख दरमियान वाली 3-4 विकेटें गिरी हैं, आई थिंक सो कि वहां पर थोड़ा सा सोच समझ का मुजाहरा करना चाहिए था। मतलब जब 92 ऑलरेडी हो गए आपके और आउट हो गए इफ्तिखार अहमद, तो आई थिंक सो कि उसके बाद हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी पाकिस्तान को, 6 रन्स, 8 रन्स, 10 रन्स इतने करने चाहिए थे, एक ओवर में एक बाउंड्री लग जाती, लेकिन वहां पर तीन खिलाड़ी हमें ऐसे नजर आए, दो तो स्पेशली, एक शादाब खान, एक हैदर अली, दोनों ने जो है वो ऊंची शॉट खेलने की कोशिश की है, और यहां पर आपको पता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहां पर मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में, ऊंची शॉट खेलकर आप जो है वो छक्का हासिल नहीं कर सकते। सो हार्दिक पांड्या ने वहां से कोशिश की आई वुड से, और पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अमेजिंग किया था, खासतौर पर हारिस रऊफ ने जो दो विकेटें ली हैं, अमेजिंग स्टार्ट हारिस रऊफ ने किया। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ भारत तैयारी करता रहा, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस अगेन मैं ये कहूंगा कि नसीम शाह और हारिस रऊफ आए और दोनों ओपनर्स को चलता किया, लेकिन अगेन विराट कोहली जो पाकिस्तान के खिलाफ चलता है और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज है, आज एक बार फिर उसने अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को शो किया है, और क्रेडिट गोज टू विराट कोहली के जिस तरह की आज उसने इनिंग्स खेली है, बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है सर, दैट इज अ हिस्टोरिक इनिंग, एंड भारत के क्रिकेट फैंस क्या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी इसको हमेशा याद रखेंगे। आई थिंक सो हमें मैच का जो लुत्फ मिला है, ये अलग बात कि दिस टाइम वी आर नॉट ऑन द विनिंग साइड, वी आर ऑन द लूजिंग साइड, बट आई वुड से अगेन कि ये कोई इतना बुरा नहीं है, पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा खेला है, भारत पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा खेल गया। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि जी, जाहिर बात है पे कुछ ना कुछ गलतियां तो आपसे होती हैं।